तो हेलो फ्रेंड, जैसे कि हम TSDC JEE का पेपर सॉल्व कर रहे थे उसमें हमने 59 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था, तो हम इससे आगे सॉल्व करेंगे। देखिए 59 क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर इंस्पेक्शन एंड पैकिंग ऑफ ब्लास्ट ईच क्रॉट स्लीपर इज प्रोवाइड विथ, जो इन्फेक्शन और पैकिंग और ब्लास्ट में, ये भी रेलवे का है। देखिए रेलवे के भर भर को क्वेश्चन आए हैं, 1 होल, 2 होल, 3 होल या 4 होल, कितने होल बनाए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 2 होल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, कितने होल्स बनाए जाते हैं, 2 होल्स, इसका आंसर है बी। तो द स्मॉल गैप लेफ्ट बिटवीन एडजॉइनिंग रेल एट अ रेल जॉइंट इज प्रोवाइड ऑफ, तो बताइए ऑप्शन नंबर ए, बी या सी या नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए स्मॉल गैप लेफ्ट बिटवीन एडजॉइनिंग रेल एट अ रेल जॉइंट, क्या होगा इसका आंसर। तो 60 का ए, एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेल, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। ठीक है, द रूलिंग रोड ग्रेडियंट इन प्लेन्स, प्लेन में बताना है रूलिंग, आपको पता होगा तो ये 1:33 होता है, 1:1, देखिए 1:33 होता है वैसे, तो इसकी अप्रोक्सीमेट हमने 1:33 कर लिया है। IRC रिकमेंडेड फॉर मैक्सिम विड्थ ऑफ व्हीकल इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर 2.44 मीटर होता है। फिर एक्सेसिव कैम्बर और पेमेंट में कॉज ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए डिटोर्शन ऑफ सेंट्रल पोर्शन, इरोजन ऑफ बर्म, स्लिप ऑफ द स्पीडी व्हीकल टूवर्ड द मिडिल, ऑल ऑफ दिस, का आंसर ऑल ऑफ दिस है। द मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑन अ सिंगल लेन रोड, क्या कह रहा है, सिंगल लेन रोड हैविंग टू वे ट्रैफिक इज इक्वल टू, सिंगल लेन रोड है दोनों तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, यहां से भी आ रही है और यहां से भी आ रही है गाड़ियां, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या लिया जाता है, ट्वाइस द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो हिंदी में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इफ़ द डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ एज ऑफ द पेमेंट 9 मीटर वाइड एंड द ग्राउंड 15 मीटर द कैम्बर इज, तो इसका जो सॉल्व करने पर आएगा 65 का 1:30 आएगा, इसको मैं सॉल्व अलग से कर दूंगा। द बेस्ट बाइंडर मटेरियल फॉर स्टोन एग्रीगेट इन पेज रिपेयर वर्क ड्यूरिंग रेनी सीजन विथ हैवी ट्राफिक इज, उसमें क्या डाला जाएगा, इसमें बिटुमिन इमल्सन डाला जाता है। तो बेस्ट बाइंडर, बाइंडर मटेरियल बोल रहा है, तो बाइंडर तो हमारे पास बिटुमिन इमल्सन ही होता है ना। द मिनिमम सुपर एलिवेशन ऑफ कर्व शुड नॉट बी लेस देन, मिनिमम सुपर एलिवेशन कहेगा तो कैम्बर होता है। ठीक है, इसका आंसर सी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी डिजायर लाइन आर यूज, तो इसका ऑरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज करी जाती है। वाइडनिंग ऑफ रोड इन हिली रीजन इज डन फॉर, हिली रीजन में वाइडनिंग हम कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, ऑन द इनर साइड में, ऑफ आंसर नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, फॉर नाइट ट्रेवल द लेंथ ऑफ वैली कर्व शुड बी सच दैट द हेडलाइट बीम डिस्टेंस द सेम एज, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बोलते हैं। जो नाइट फॉर नाइट ट्रेवल द लेंथ ऑफ वैली कर्व शुड बी सच दैट द हेडलाइट बीम डिस्टेंस इज द सेम। तो जो CBR कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो मेथड ऑफ डिजाइनिंग फ्लेक्सिबल पेमेंट्स मोर एक्यूरेट कौन सा होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर स्पेसिफिकेशन ऑफ द रोड मार्किंग मटेरियल होता है। डिजाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलाइनमेंट सुपर एलिवेशन साइड डिस्टेंस एंड ग्रेड इज मोस्ट इफेक्टिव, बाय कौन इफेक्ट करता है, अफेक्टेड, तो इसका जो स्पीड ऑफ व्हीकल कितनी हमारी स्पीड, देखिए लेंथ में कुछ नहीं होगी, विड्थ में नहीं, हाइट में नहीं, स्पीड का होता है। ठीक है,
So the magnitude of tire pressure control the following is, तो देखिए टायर प्रेशर कंट्रोल द फॉलोइंग क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, कैसा हमने मटेरियल लगाया पेमेंट में उसके हिसाब से पता चले। द सर्वे ऑफ प्लॉट द लैंड ऑफ प्लेन टेबल द फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन इज, क्या करा जाता है देखिए प्लेन टेबल में क्या करा जाता है, प्लेन टेबल में हम प्लॉटिंग के साथ साथ फील्ड प्लस प्लॉटिंग दोनों कर सकते हैं। ठीक है, प्लेन टेबल में क्या यही तो होता है ऑफिस वर्क और जो फील्ड में साथ साथ कर सकते हैं हम। ठीक है, द ऑपरेशन ऑफ रिवॉल्विंग अ प्लेन टेबल अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस सो दैट ऑल लाइंस ऑफ द सीट बिकम पैरेलल द करस्पॉन्डिंग लाइन ऑफ द ग्राउंड इज द, इसका है आंसर ओरिएंटेशन। ठीक है, इंटरसेक्शन मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्लॉटिंग इज, इंटरसेक्शन मेथड वो कहाँ पे की जाती है, हिलॉक विदाउट वेजिटेशन में की जाती है। तो प्लॉटिंग इन एक्सेसिबल पॉइंट ऑन प्लेन टेबल इज इंटरसेक्शन मेथड, ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल बाय सॉल्विंग टू पॉइंट प्रॉब्लम इज अडॉप्ट ओनली व्हेन, तो ओरिएंटेशन किस में किया जाता है, हम प्लेन टेबल में करते हैं और बाय सॉल्विंग टू पॉइंट प्रॉब्लम, तो इसका जो करेक्ट आंसर गिवेन पॉइंट आर इनएसेसिबल। ठीक है, थ्री पॉइंट प्रॉब्लम कैन बी ट्रेसिंग पेपर लेमान रूल बेसिस विद ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस का करेक्ट आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाइल वर्किंग ऑन प्लेन टेबल द करेक्ट रूल इज, तो जो करेक्ट प्लेन टेबल का जो करेक्ट रूल होता है, ड्रॉ शॉर्ट रेज सफिशियंट टू कंटेन द पॉइंट ऑफ साउथ। देखिए इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। तो थैंक यू माय फ्रेंड, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, मैं नॉन टेक का भी तभी लाऊंगा जब लाइक एंड सब्सक्राइब बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।